हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। कई सारी गुड न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स। आज बड़ी तेज़ी लगा चुका है येस बैंक। काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त रैली दिखाई दे रही है येस बैंक में। उसके पीछे कई रीजंस है फ्रेंड्स, हम एक एक कर कर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस लिए इतनी बड़ी रैली आई है और ये कहाँ तक जा सकता है। NPA से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई है, बैड बैंक के रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ARC पर भी न्यूज़ निकल कर आई है। इन सारे न्यूज़ पर हम कवर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे जो येस बैंक के शेयर होल्ड करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप येस बैंक के शेयर होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक बने रहिए। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। आज येस बैंक ने एक बड़ी तेज़ी लगाई है, लगभग 6% के करीब एक बड़ा जंप लगा दिया था। काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और जिस तरह का डेटा निकल कर आया है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं आने वाले समय में ये एक मल्टीबैगर हो सकता है। सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 14 रुपीज़ पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 5.66% की एक बड़ी रैली लगा चुका है येस बैंक। ये ओपन हुआ था 13 रुपीज़ 30 पैसे पर, यह हाई लगाया 14 रुपीज़ 20 पैसे और लो लगाया 13 रुपीज़ 25 पैसे। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये अपने डे के हाई के पास ही क्लोजिंग दिया है और 14 रुपीज़ का एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। अगर ये 14 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर पाता है कल तो ये इजिली 15 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है। कई महीनों के बाद 14 रुपीज़ के ऊपर इसका प्राइस गया है, उसके पीछे कई पॉजिटिव न्यूज़ है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कल हमें देखना होगा, अगर ये 14 रुपीज़ के ऊपर रहता है और 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन कर पाता है तो मुझे लगता है ये 14 रुपीज़ को एक अपना स्ट्रांग सपोर्ट बना लेगा और उसके ऊपर ही रहेगा। चलिए अब हम NSE पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड है 32 करोड़ 65 लाख 49,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरी उठाई गई है 13 करोड़ 76 लाख 55,000 की। परसेंटेज में देखें तो 42.15% की एक बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। अगर आप ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे और डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो एक ह्यूज नंबर में क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज काफ़ी महीनों के बाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑपरेटर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, जिसके चलते एक ह्यूज बाइंग हुई है और एक बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ क्वांटिटी ट्रेडेड है 5 करोड़ 3 लाख 92,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 2 करोड़ 15 लाख 17,000 की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 42.70% की डिलीवरी उठाई गई है। काफ़ी दिनों के बाद NSE और BSE पर बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग हुई है। बैड बैंक के रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है मार्केट में, अफवाह फैली हुई है और आपको पता ही है कि येस बैंक के बड़े NPAs है। अगर ऐसा कुछ होता है तो येस बैंक के शेयर होल्डर्स रातों रात मालामाल बन जाएंगे। चलिए अब हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। 1 मंथ का एवरेज है 10 करोड़, 1 वीक का एवरेज 14 करोड़ और कल इसमें 11 करोड़ का वॉल्यूम था और आज बहुत ही ह्यूज मात्रा में वॉल्यूम था फ्रेंड्स, जो कि 42 करोड़। काफ़ी महीनों के बाद इतनी बड़ी तेज़ी और इतना बड़ा वॉल्यूम देखा गया है येस बैंक में। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, ऑपरेटर्स को पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आने वाली है और इसमें जम के बाइंग हुई है। चलिए अब हम चार्ट पर भी देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है येस बैंक ने। पिछले 3 से 4 दिन में लगभग 10% का रिटर्न दे चुका है। जब ये 12 रुपीज़ पर था तब में मैंने आपसे सजेस्ट भी किया था इसमें एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखकर बाइंग की है उन्हें एक अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप उसमें से एक है तो लाइक हिट कर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये 14 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है ये 15 और 16 रुपीज़ का टारगेट इजिली अचीव करता हुआ दिख सकता है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, दिसंबर के अंत तक ये 20 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है। उसी प्रकार से ये परफॉर्म कर रहा है। अभी सभी इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। RSI पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। विलियम परसेंटेज ओवरबॉट की जोन में एंटर कर चुका है। MACD अभी क्रॉसओवर कर पॉजिटिव चल रहा है और हिस्टोग्राम्स भी ग्रीन कलर के बड़े हिस्टोग्राम्स बना रहा है। तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। चलिए अब हम एक एक कर न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल डिफॉल्ट टू येस बैंक ट्रिगर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। रिलायंस कैपिटल पर
1417 करोड़ का बकाया है। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात करें तो 987 करोड़ का लोन लिया है रिलायंस कैपिटल ने, और इसका इंटरेस्ट मिलाकर 1417 करोड़ हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, डाउटफुल एसेट आर दोज दैट हैव बीन क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। डाउटफुल एसेट्स वो एसेट्स है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है मोर देन 12 मंथ्स। आरबीआई की नॉर्म्स के अनुसार उसे बैड लोन करार दिया जाता है। और बैड बैंक के बारे में न्यूज निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो येस बैंक को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में एआरसी के रिलेटेड भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। आने वाले महीने में यानी के जनवरी 2022 में एआरसी के द्वारा जिन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया था और फाइनलाइज किया गया था, उसका नाम भी येस बैंक डिक्लेयर करने वाली है। इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है मार्केट में, जिसके चलते आपको ये एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तीसरी पॉइंट ये रहेगी फ्रेंड्स, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार येस बैंक प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, तो इस क्वार्टर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करेगा, क्योंकि इनका बिजनेस काफ़ी सेटल होकर चल रहा है। उसे कंसिडर करते हुए इसमें लगभग आप 10% की तेज़ी देख सकते हैं। अगर आप येस बैंक के शेयर होल्ड करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि ये आने वाले समय में एक मल्टीबैगर हो सकता है। और आपको पता ही है, जब ये अपर साइड मूव होता है तो डायरेक्टली 20% का सर्किट लगा देता है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो ये एक सर्किट लगाता हुआ भी दिख सकता है। अभी फिलहाल मार्केट में रूमर चल रहे हैं, जिसके चलते आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको पता ही है, ऑपरेटर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ के निकलने से पहले। इसे कंसिडर करते हुए आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि 30-30-30% में स्प्लिट करके आपके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ये पर्टिकुलर शेयर 3 से 5 साल होल्ड करके रख लिया तो मुझे लगता है कि आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता ही है, ये अभी पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है, लेकिन जब इसमें बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे एआरसी से रिलेटेड, एनपीए से रिलेटेड, और जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा लोन से रिलेटेड, लोन लेने में और लोन देने में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर कर अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया जा रहा है, उसे कंसिडर करते हुए आप भी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मेरे व्यूज थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव दिखा तो लाइक कर कर इनकरेज करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले।